हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आमिर पब्लिक स्कूल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड अवर लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टुडे, सो दिस इज अवर वीडियो लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ वीडियो लेक्चर। एंड टुडे, इन टुडेज लाइव लेक्चर वी हैव स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, ओके, ENV पेज नंबर 28। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, प्लीज ओपन योर पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स इन 8 सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड एंड चैप्टर नंबर 15, कोल्ड और हॉट। ओके, सो फिलिंग द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे हम। द पर्सन हु कट्स वुड इन फॉरेस्ट फॉर अ लाइवलीहुड इज नोन एज डैश। ठीक है, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी उसमें जो पर्सन था जो लकड़ी काटता था जंगल में और वो अपना गुजारा उसी से ही करता था, ठीक है, उससे लकड़े काटता था वो, उससे उसका घर चलता था, तो वो कौन था? वो वुड कटर था। कौन था? वो वुड कटर था। सेकेंड नंबर, द वुड कटर वॉज ब्लोविंग अगेन एंड अगेन ऑन हिज फिंगर्स विच हैज फ्रोजन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। जो वुड कटर था वो बार बार में अपनी फिंगर्स पे ब्लो कर रहा था, ठीक है, ऐसे अपने अंदर से ब्रीदिंग उसमें जो था ना, उसके हैंड्स को बार बार में ऐसे फूक मार रहा था। विच हैज फ्रोजन, और जो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके जो उनकी जो फिंगर्स थी वो कोल्ड क्लाइमेट, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो जम गई थी, एकदम फ्रोज हो गई थी, इस वजह से वो बार बार में ब्लो कर रहा था, फूक मार रहा था ताकि वो थोड़ी गर्म हो जाए। ऑन फीलिंग हंग्री इन द फॉरेस्ट द वुड कटर बॉइल्ड पटेटोज एंड एट धैम। और उसको फॉरेस्ट में जब वो था वहाँ पे तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो वुड कटर ने क्या बॉइल किया? उसने अपने खाने के लिए पटेटोज बॉइल किए थे, ठीक है। ऑन होल्डिंग द हैंड्स नियर द माउथ एंड ब्लोविंग ऑन धैम वी कैन फील वार्म हॉट एयर ऑन अवर हैंड्स। ठीक है, अब जब भी आप हाथ अपने मुँह के पास में रखते हो और उस पर फूक मारते हो तो आप क्या फील करते हो? आप गर्म एयर अपने हाथ पे फील करते हो। अभी ठंडी में नहीं करते हम हमारे हाथ जो फ्रोज हो जाते हैं तो हम उस पर फूक मारते हैं, ठीक है, कोई खाना होता है तब हम उसको फूक मारते हैं तो ईजिली क्या हो जाते हैं? वो ठंडे हो जाते हैं, वहाँ पे वो इफेक्ट ठंडा करता है, पर जो चीज़ हमारे मुँह के पास हम ऐसे हाथ रख के रखते हैं तब वहाँ से गर्म एयर हमको फील होती है, ठीक है, ठंडी में। 5 नंबर, अ स्नेक चार्मर प्लेज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज बीन बाय ब्लोविंग थ्रू द माउथ। और जो स्नेक चार्मर, जो सपेरा होता है, वो क्या करता है? वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है जिसका नाम होता है बीन। वो क्या करता है? अपने मुंह से जो उसकी जो हवा होती है वो वहाँ पे ब्लो करता है, ठीक है, ताकि उसकी तो उसकी बीन जो होती है वो बचती है, ठीक है। नाउ नंबर 6, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम ढोलक इज प्लेड बाय स्ट्रिकिंग द लेदर विथ स्टिक्स और द हैंड्स। और ढोलक हम कैसे बजाते हैं? दोनों हाथ या स्टिक को यूज करते हैं, उसका जो जहाँ पे हम वहाँ पे हाथ लगाते हैं या स्टिक से मारते हैं उसमें स्ट्राइक करते हैं, तब वो क्या चीज़ का होता है? वो लेदर से बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसको ढोलक बोलते हैं। द एयर दैट वी एक्सहेल थ्रू द नोज, और जो हवा हम बाहर की तरफ नोज से निकालते हैं उसको, वो कैसी होती है? वो वार्म और हॉट होती है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस करना ये चीज करके। नंबर 8, अ डॉक्टर यूजेस एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेटोस्कोप टू मेजर्स अ पर्सन हार्ट बीट। ओके, तो जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेटोस्कोप कब यूज करते हैं? कोई भी पर्सन की हार्ट बीट उसको अगर काउंट करनी है तो वो यूज करते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से है, कितनी ज्यादा फास्ट है या स्लो है, इससे हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स। नंबर 1, वी शुड ब्रीद इन थ्रू द नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू द माउथ। ठीक है, आप ऐसा करते हो, आप ब्रीद इन करते हो तो नोज के थ्रू करते हो, ब्रीद आउट करते हो तो माउथ के थ्रू करते हो, नहीं ऐसा नहीं करते, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, तो यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर, ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज इज नोन एज इनहेलेशन। जब हम नोज से ब्रीद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है, हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आएगा राइट। नंबर 3, द वुड कटर वॉज ब्लोविंग हार्ड इन हिज हैंड्स टू वार्म देम इन द कोल्ड। ओके, जो वुड कटर था वो अपने हाथ पे फूक मार रहा था ताकि वो थोड़े गर्म हो जाए, यस, हम वही कर रहा था ना वो वुड कटर, तो यहाँ पे राइट आएगा। अ हॉट थिंग्स बिकम कूल एंड अ कोल्ड थिंग बिकम वार्म बाय ब्लोविंग ऑन इट।
अगर कोई चीज़ गर्म है और उसको ठंडा करना है, और जो जो चीज़ ठंडी है उसको जो चीज़ एंड अ कोल्ड थिंग बिकम वार्म, और जो कोल्ड थिंग होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। किससे होती है ये? ब्लोविंग ऑन एयर, उस पर फूक मारने से होती है। तो क्या सच है ये? यस, ठीक है। जो आपका जो हमारे स्टोरी में वुड कटर था वो ऐसे ही कर रहा था ना, क्योंकि वो उसे चूल्हा जलाया था उसने पटेटोज को बॉइल करने के लिए, तो वो फूक मार रहा था, ठीक है। उसमें पटेटो को खाने के लिए वो उसको फूक मार रहा था क्योंकि वो गर्म थे, उसको ठंडा करना था, और उसके हाथ जब फ्रोजन हो गए थे तब वो फूक मार रहा था ताकि वो गर्म हो जाए, ठीक है। कोल्ड एयर, नंबर 5, कोल्ड एयर इज हैवी एंड हॉट एयर इज लाइट। यस, जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है और हॉट एयर लाइट होती है। देर इज अ वाटर वेपर इन द एयर दैट वी ब्लो आउट फ्रॉम अवर माउथ, ठीक है। इसमें बोला है जो एयर हम बाहर की तरफ ब्लो करते हैं, हम जब फूक मारते हैं हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो एक तरीके, उसमें एक वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, इसमें वाटर वेपर, यस, उसमें क्या होता है, उसमें भाप होती है, ठीक है। नंबर 7, अ ढोलक इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड बाय स्ट्रमिंग वायर्स एंड क्रिएटिंग वाइब्रेशन इन देम, ठीक है। जो ढोलक है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्लेड बाय स्ट्रमिंग, जो झनकार से, झनकार वाले वायर्स से बजता है, एंड क्रिएटिंग वाइब्रेशन, जब आप उसको बजाते हो तब उसमें वाइब्रेशन फील होते हैं आपको, तो नहीं, ढोलक को बजाने में कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है, ठीक है, तो वो रॉन्ग आएगा। 8, नंबर, अ फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड बाय ब्लोविंग एयर इन टू इट विद द माउथ। जो फ्लूट होती है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जिसको हम कैसे फूक मार के हम उसको बजाते हैं, उसमें एयर ब्लो करके हम उसको बजाते हैं। तो क्या ये सही है? यस, ये हमारा क्वेश्चन, हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। नाउ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस। व्हाट डज इनहेलेशन मीन? इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? एयर दैट इज ब्रीद इन थ्रू द नोज इज नोन एज इनहेलेशन। जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, जो हवा हम ब्रीद इन करते हैं थ्रू द नोज के थ्रू, तो उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। What does exhalation means? Exhalation क्या होता है? जब वो हवा, जो air होती है, हम breathe out करते हैं, ठीक है, जब breathe हम बाहर की तरफ वो हवा को निकालते हैं हमारे nose के through, तब उसको exhalation बोलते हैं। Number 3, how is the air blown out from the mouth as compared to the air around? ठीक है, इसमें बोला है how is the air blown out from the mouth, हमारे जो मुंह से जो हवा बाहर निकलती है और उसको कंपेयर किया है जो एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है, तो वो कैसी होती है? The air that comes out from the mouth is slightly hotter, जो हमारे मुंह से हवा निकलती है ना, तो वो थोड़ी हॉट होती है एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, ठीक है। जो हमारे आसपास हवा होती है उससे जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है ना वो थोड़ी हॉट होती है, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डज वन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस काउंट, ओके। इसमें बोला है कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हो, तो उसको काउंट करना। आई ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 18 टाइम्स इन 1 मिनट, ये मेरी स्टडी के हिसाब से, ठीक है। आप लोग कितनी बार करते हो दैट यू हैव टू काउंट, ठीक है, आपको काउंट करना, पर आपको आंसर में यही लिख सकते हो आप, ठीक है। नाउ नंबर 5 में पूछा है आपको स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स डज अ हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन। द हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन। जो हार्ट बीट होती है आपकी पर मिनट नॉर्मल कंडीशन में, कितनी बार हार्ट बीट धक धक होता है आपके? 70 to 75 टाइम्स होता है, ठीक है, पर मिनट। नाउ नंबर 7, नंबर 6, व्हाट डिड द वुड कटर डू टू कूल द हॉट पोटेटोज। और जो वुड कटर था उसने जो हॉट पोटेटोज थे उसको कूल कैसे किया? द वुड कटर स्टार्टिंग ग्लोविंग हार्ड ऑन द हॉट पोटेटोज टू कूल दैम। वो जोर जोर से फूक मारने लग गया वो पोटेटोज के ऊपर, तो उसके पोटेटो ठंडे हो गए। नंबर 7, व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट हैवीली विच बॉडी पार्ट्स डू फील मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, जब आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हैवीली मतलब बहुत जोर जोर से करते हो, तो कौन से पार्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं आपके? तो चेस्ट और स्टमक, ठीक है। आप इसे करके देखना, एकदम हम करते हैं ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तब सबसे ज़्यादा हैवीली इफेक्ट किस पे होता है? चेस्ट और स्टमक पे होता है। नंबर 8, व्हेन डू हार्ट बीट इंक्रीज एंड बिकम मोर देन नॉर्मल। जब भी आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है और एक नॉर्मल होती है, तब कैस कब होता है ये? तो व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जोर से भाग के आते हैं, ठीक है, तब हम बहुत जल्दी जल्दी हार्ट, हमारे जो बीट्स होती है बहुत जल्दी जल्दी क्या करती है? इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, नॉर्मल से।
जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो नॉर्मल होती है ना उससे बहुत ज़्यादा फटाफट बीट करती है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके स्टूडेंट्स, सो आज आपको लेक्चर में क्वेश्चन नंबर मैंने 8 तक करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, तो ये आपको आपके वर्क बुक में क्या करना है, नोट डाउन कर देना है। ओके, एंड आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।